हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तीन ऐसी इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप इन तीनों बातों को अगर ध्यान रख करके अपना डीजे सिस्टम ऑपरेट करते हो, तो आपको अपने डीजे सिस्टम के अंदर मेनली एम्पलीफायर एंड स्पीकर के अंदर 95% चांस ये रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो आज हम ऐसी तीन बातें के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कौन सी तीन ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, यानी कि ना मात्र चांस देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसी तीन बातों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन्हीं तीन बातों के बारे में। पहली होती है दोस्तों ओम मैचिंग, और दूसरी है लोड मैचिंग, और तीसरी है वोल्टेज कंट्रोल। तो पहले बात करें हम ओम मैचिंग के बारे में। अगर आप अपने एम्पलीफायर के ऊपर हमेशा ओम मैचिंग के हिसाब से ही स्पीकर लगाते हो, तो आपको अपने एम्पलीफायर के अंदर प्रॉब्लम ना के मात्र देखने को मिलेगी, क्योंकि एम्पलीफायर के ऊपर हमेशा कंपनियां ओम के हिसाब से ही आउटपुट देती है, जैसे कि 8 ओम एंड 4 ओम और 2 ओम। आप इन्हीं तीन ही फॉर्मेट के अंदर आउटपुट को यूज कर सकते हो जो एम्पलीफायर के ऊपर कंपनी देती है। अगर आप ओम्स के बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर जानना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा लोड मैचिंग। तो दोस्तों, लोड मैचिंग भी काफी बड़ा पार्ट है हमारे डीजे फील्ड के अंदर, क्योंकि हमारा जो एम्पलीफायर का आउटपुट है यानी कि लोड लेने की जो क्षमता है, तो एग्जांपल के लिए माने तो 4 ओम पे वो देता है 2200 वाट, और आप लोड मैचिंग ना करते हुए 2200 वाट आउटपुट देने वाले एम्पलीफायर पे आप 2500 वाट या 2800 वाट या 3000 वाट तक का लोड डालते हो, तो आपका एम्पलीफायर ओवरहीट होगा या प्रोटेक्शन पे जा सकता है या बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप जैसे कि आपका एम्पलीफायर जो आउटपुट दे रहा है, चाहे 4 ओम हो, चाहे 8 ओम हो, चाहे 2 ओम हो, तो जो आउटपुट दे रहा है उसके हिसाब से आप 10% कम रखें, तो आपको यानी कि कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिलेगी या बहुत कम चांस है प्रॉब्लम मिलने के। तो एग्जांपल के लिए बताऊं, आपका एम्पलीफायर आउटपुट दे रहा है 4 ओम पे 2200 वाट, तो आप उस पे लोड डाले 2000 वाट तक का ही लोड डाले। तो इस तरह से आप लोड मैचिंग करके आप अपने एम्पलीफायर को काफी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, यानी कि उसकी चलने की क्षमता भी अच्छी रहेगी, यानी कि आपको प्रॉब्लम ना के मात्र दिखेगी। तो दोस्तों, हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों, आप अपने डीजे सिस्टम्स के अंदर हमेशा वोल्टेज का पूरा ध्यान रखें। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें वोल्टेज के बारे में, तो आप जो एम्पलीफायर यूज कर रहे हो उस एम्पलीफायर पे कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि ये 190 वोल्टेज से लेकर के 250 वोल्टेज तक ऑपरेट कर सकते हो एग्जांपल के लिए, तो आप उस एम्पलीफायर को उसी वोल्टेज के अंदर ही चलाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले। तो और ज्यादातर बेस्ट यह रहेगा जो कंपनी ने एग्जांपल के लिए 190 वाट से 250 वाट के तक का गैप दिया है कि इसके अंदर आप चला सकते हो, तो आप इसका जो बीच वाला सेक्टर है यानी कि 220 से 230, तो आप बीच वाले सेक्टर पे ऑपरेट करते हो अपने एम्पलीफायर को, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज ही बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे एम्पलीफायर के लिए। क्योंकि अगर एम्पलीफायर को वोल्टेज ही पूरा नहीं मिलेगा तो एम्पलीफायर हीट होगा या एम्पलीफायर प्रॉब्लम करेगा। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि आप अपने एम्पलीफायर को वोल्टेज जिसको जितनी उसको जरूरत है उतनी तक तो दे, ना ही उसको कम की, यानी कि 190 मिनिमम है तो आप उसको 150 या 160-170 तक ही दे रहे हो, तो वो आपका एम्पलीफायर प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर आप 250 तक की उसकी कैपेसिटी है वोल्टेज पे वर्किंग करने की, तो आप उसको 270 या 280 तक दे रहे हो। मैंने आपको ये एग्जाम्पल के लिए बताया है, बहुत सारे एम्पलीफायर 150 वाट से भी ऑपरेटिंग होते हैं जो 280 तक जाते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया दोस्तों। तो आप इस तरह से तीनों बातों को ध्यान रख करके आप अपने एम्पलीफायर को या स्पीकर को या अपने डीजे सिस्टम को काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और आप अपने सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम को कभी फेस नहीं करोगे। या अगर आप बाय चांस ही चांस होते हैं कि
आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि 95% तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये अगर आप तीनों जो मैंने बताया, ओम मैचिंग, लोड मैचिंग और वोल्टेज कंट्रोल, आप इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हो दोस्तों, तो आपका एम्पलीफायर या स्पीकर या आपका डीजे सिस्टम पूरा ही काफी अच्छा वर्क करेगा और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप इस तरह से इन्हीं बातों का ध्यान रख करके अपने डीजे सिस्टम को चलाइए ताकि आपको कोई फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।